कितना संकरी रास्ता है देखो, ये सुरंग जैसा लग रहा है। ओ माय गॉड, कैसे चढ़ेंगे रे, पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। इतना दूर, इतना भयानक जगह पे आए हैं ना। और रोमियो तो पूरा फुल अभी जोश में है, पूरा पानी टंकी के साथ पीते आ रहा, और हम पूरे थक के पूरा लेटा हो गए हैं। क्या बोले रे गाइस, है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सब, वापस एक नई वीडियो साथ में स्वागत करते हैं गाइस। तो अभी जा रहे हैं हम लोग हेवन हिल, अभी दोस्त लोग आएगा मेरे साथ, मेरे दोस्त आया है, फिर अभी चलते हैं। लोग पीछे से आएगा बोल रहे हैं, तो अभी जाएंगे, ठीक है, बने रहना हम लोग। पहले हम लोग निकल रहे हैं हेवन हिल के लिए, तो बने रहना एंड तक, और आज रोमी में क्या होगा जरूर देखना। साथ रोमियो और प्रकाश और दोस्त है, और साथ में मेरा ड्राइवर भी लाए हैं एक, और अभी आएगा जो मैक्स लोग, तब तक के लिए और आए लग रहा है पूरा ग्रीन ग्रीन। अभी पहुंचे हैं छोटा वाला हिल, अभी बड़ा वाला फील नहीं आया है, अभी जाएंगे फिर से उधर वापस से बड़ा वाला हिल पे ले जाएंगे, फिर दोस्तों को चढ़ा है फिर मालूम नहीं है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों आते हैं तब तक से। अब गाइस गाइस फिर से वही सीन है, प्यार हो इधर इधर हेलो। और कितना दूर है भाई? बहुत दूर है यार, फंस कर जा रहे हैं ना। और कितना दूर? बहुत दूर। ओह माय गॉड, तेल खत्म ही ना हो जाएगा, तो दो चेंज करके ला देना मेरा गाड़ी, ठीक है। तो गाइस देख रहे हो ना, पूरा जंगली जंगल है, लेकिन जो आजकल ग्रीन ग्रीन देखने को मजा रहा है ना, हरा भरा बहुत अच्छा सीन लगता है। तो आप लोग भी जरूर कभी अगर भी आना चाहे ऐसा ग्रीन तो जरूर आए, अच्छा लगता है। आजकल का मौसम भी बहुत अच्छा लगता है, मानसून रहता है ना आजकल। उसमें आप खत्म हो गया, हम एक बड़ा वाला हिल जा रहे हैं, बहुत दिन बाद हम कभी नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम मेरा होगा हेवन हिल। मेरा हरामी दोस्त लोग आया है, अभी मिनी हम लोग जा मिनी वाला में है, अभी जा रहे हैं हम लोग बड़ा वाला हिल में और चढ़ेंगे। बोल के अभी तक कहाँ घुमा रहा है, लेकिन जहाँ भी ये जा रहा है उधर का नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, एकदम मूवी फिल्म है, एकदम एकदम शांत माहौल क्या, और गुला गुला के घर है, कहने के वो जो पूर्वज में नहीं रहते थे ना, इतना अच्छा फील, एकदम नेचर से जुड़ा हुआ है, जाने वाले मेरे दिल में तो बहुत एक्साइटेड हो रही है भाई। अच्छा लग रहा है, इसका दिन तो यादें बन गया बोले अरे भाई तुम यहाँ कैसे, तो गाइस फाइनली हम लोग ये हेवन हिल पहुंचने वाले हैं। देखो नदियाँ कितना अच्छा बह रही है, जलधारा है, और मेरे पीछे उधर देखो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है हेवन हिल, नाम सुन के दिल खुश हो जा रहा है भाई मेरा। अब कब देखेंगे सामने से, वहाँ से जो हिल का नज़ारा देखने का जो मज़ा है ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, तो बहुत हार्ड लगेगा भाई। तो गाइस देख लो खतरनाक वाला सीन आ रहा है, मेरे पीछे बड़ा सा पहाड़ है भाई, ये देख रहे हो, और सीन बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर रोमियो भाई आज बहुत ज़्यादा भीड़ है ना रे, ये देख लो भाई मेरा भाई को देख लो भाई, आज कल पहले का आया भाई, कल पहले का अभी जाएगा, खूब ज़्यादा रहा है। तुम यहाँ पर 10 बार चढ़ो और 10 बार उतरो, अगर इतना काम कर दिया ना तुम जो बोलेगा वो करेंगे, अगर कर दिया तो यहाँ देख लो भाई हम लोग कितना ऊपर आ गए भाई, थक गए रे पूरी तरह से, पूरा थकावट फील हो रहा है, खास कोई रहती जो ढो के ले जाती
बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी जरूर आना गाइस, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हेवन हिल। कहे अगर जिसको मेरा जैसा लोकेशन पसंद हो, एंटरटेनमेंट टूरिस्ट वगैरह वो सब के लिए ठीक है, लेकिन बाइक वगैरह लेके ऊपर नहीं जा सकते हैं, बाइक वहीं पे खड़ा कर सकते हैं। अरे भाई हम लोग को बाइक को कहाँ रखे हैं, एकदम उधर दिख रहा ब्लैक वाइट दिख रहा है कि नहीं, एकदम इतना ऊपर आए हैं ना भाई कि थक जा रहे हैं यहाँ से पूरा एकदम। ओह माय गॉड क्या मोहब्बत है नजारा है, कल तलक थे अपरे। हम लोग ऊपर आ गए रे, अभी और बाकी है, अभी और चढ़ना बाकी है, वो कब चढ़ेंगे। रोमियो भाई हम थक गए रे भाई, हमको ढो के ले जाए भाई, हम लोग चढ़ते चढ़ते थक गए भाई, अभी और अभी चढ़ना बाकी है, अभी हम लोग अभी इतना ऊपर चढ़ गए हैं, थक गए रे भाई, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ का। भाई मुकेश तुम तो पूरा गोरा गोरा लग रहा है, हम लोग तो काला आदमी काश। उधर देखो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा है देखने के लिए, वो लोकेशन ही, ये लोकेशन ही क्या भाई, कुछ भी बोलो, एकदम माउंट एवरेस्ट जैसा लग रहा है। अभी हम लोग को वहाँ चलना, वहाँ देखना, वहाँ आदमी लोग है, वो उतना ऊपर में है तो उतना ऊपर चढ़ना है हम लोग को, अभी तो इतना ही दूर आए हैं। और अभी जा रहा, अभी मेरा दोस्त लोग और सारा ढेर सारा है तो सब आएगा। चीन तो अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे जंगल भी खतरनाक है तो थोड़ा भालू उलू भी रहता है कि क्या डर भी लगता है बोल रहा था दोस्त लोग, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, इतना दूर इतना भयानक जगह पे आए हैं ना। और रोमियो तो पूरा फुल अभी जोश में है, पूरा पानी टंकी के साथ पीते आ रहा, और हम पूरा थक के पूरा लेटा हो गए हैं, क्या बोले रे गाइस। इतना खुला है यहाँ पे, देख रहे हो पहाड़ वहाड़ पूरा भयानक, चढ़ने के लिए पूरा पसीना निकल रहा है एकदम। लेकिन भाई सीन देखना है ना, इसकी वजह से थोड़ा जाना तो पड़ेगा ना, इसीलिए जा रहे हैं अभी भी, पूरा मेहनत कर रहे हैं दोस्त ताकि हम उस नज़ारा को देख सके जो क्या बोले रोमियो भाई, नहीं बोलेंगे छोड़ो हटा, पूरा थक के पूरा एकदम एटलेटा हो गए रे भाई, लोग पहले चढ़ लिया है। अरे रोमियो भाई पीछे है, अरे भाई इधर देखो ना कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अरे पूरा खतरनाक वाला रास्ता वास्ता पूरा भयंकर है रे भाई, हेवन हिल का मजा, थोड़ा संभल के चलना दोस्त, यहाँ पे खतरे का भी स्नैक्स सब का भी डर लगता है, बारिश का दिन है। ओह माय गॉड कैसे चढ़ेंगे रे, संकरी रास्ता है देखो, ये सुरंग जैसा लग रहा है। ओह माय गॉड कैसे चढ़ेंगे रे, लगता है थोड़ा थोड़ा पहुंचेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ तक आए हैं। इधर ही है क्या भाई, इधर ही है, अभी जा रहे हैं, देखो सुरंग जैसा दिख रहा है, नीचे देखो पूरा भयानक लगता है, थोड़ा थोड़ा पहुँचने वाले हैं, जस्ट हमको ऐसे ही फील हो रहा है कि हम लोग फैमिली पूरी चढ़ चुके हैं, देखते हैं पूरे देखने को मिलेगा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हेवन हिल, मेरे पीछे पूरा से देखो एक क्या बोलेंगे हिल जैसा लग रहा है, ये सब हिल नहीं है, माउंट एवरेस्ट है ना उस टाइप से है। देखो यहाँ पर गिर गया ना गलती से, लगता फिर गया। और काश बताओ कैसा लग रहा है आपको, अरे मुकेश भाई क्या बोले, मुकेश भाई को फर्स्ट टाइम ना आए हैं आज पहला दिन, कैसा लग रहा है मुकेश बता, मज़ा आ रहा है क्या मत पूछो। देख रहा है देखो भाई हम लोग को जंगल कलर क्या मिले, देखो
कलर इसका अनोखा है, देख सकते हैं इसको, देख भाई डर लगता है। और हम लोग इसको देसी में टेटेंगे, बोल छोटा वाला मगर मच से देख रहा है कि रात को एक दिन प्लानिंग करके आना है और हम भालू भी देखने हैं। इधर देखो भाई, देखो कितना भयानक लग रहा है। ब्रेकअप होगा ना तो रोमियो को प्लानिंग है कि अपना रिकॉर्ड लेके जाएंगे तो यहाँ से वहाँ छलांग मारने वाला है। ये पहला वैसा छलांग होगा जो यहाँ से उस पहाड़ जाएगा, उस पहाड़ में रोमियो का ऐसा डायरेक्ट कभी आओ तो यहाँ पे बोतल अपना जो खाने पीने का सामान है ना उसे जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ ज़्यादा सामान 5 kg से ज़्यादा भी नहीं रहना, पूरा थोड़ा थोड़ा लेके आना। खतरनाक वाला, और हम लोग का पानी भी खत्म हो गया, नेक्स्ट बोतल नहीं है। और दोस्त बोला था आएंगे बोल के, पता नहीं कब आएगा। उन लोग का वेट करते करते फाइनली हम लोग पहुँच भी गए, बट अभी तो लोग पहुँचा नहीं है। पता नहीं अब क्या करेंगे, देखते हैं। थोड़ा देर यहाँ पे रहते हैं फिर निकल जाए। फाइनली जहाँ हम लोग का आने का जो चाहत था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, और पहुँच के भी हम लोग बहुत देर हो गए यहाँ पे। हम लोग आधे घंटे यहाँ पे चढ़ने में तो आधा घंटा लगता है। बहुत बड़ा हिल है भाई, देख रहे हो यहाँ से, फ़ोन गिर जाएगा ऐसा लग रहा है। तो हम लोग थोड़ा देर बाद यहाँ से निकलेंगे, दोस्त लोग से मिलेंगे, और हम लोग फिर तब तक के लिए अभी रख दो, फिर दिखाते हैं आप लोग को आगे वाला सीन। अरे डर लगता है यहाँ ऐसा जगह आई है। ये तो ऐसा था, ये है मेरी फ्रेंड सोनम और दोस्त लोग तो ये है, बाकी दोस्त लोग अभी आ रहे हैं तो पता नहीं उन लोग से कब मिलेंगे, उसी का वेट कर रहे हैं। वहाँ पूरी तरह से थक चुका है और कहा बोले पूरा बेचैनी लग रहा है। कहा रोमियो इसका जो एनर्जी ड्रिंक है वो नहीं मिला है, प्रकाश का भी हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग अभी से आ नहीं रहा है, थक गया यार, काफ़ी देर हो गया, और हम लोग अब चल जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग दिखा दिए आप लोगों ने, बस मेरा फोटो तो हो चुका है, जो मेरा दोस्त है ये लोग का फोटोशूट नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग को फोटोशूट कर देंगे। ये रोमियो है मेरे पीछे, इधर रोमियो और रोमियो लोग उधर क्लिक करना चाहते हैं। यहाँ पे यहाँ जो है यहाँ पे भी हो गया है काफ़ी, लेकिन आगे वाले सीन को अच्छे लग रहे हैं तो आगे जाएंगे। अभी बहुत अच्छा हील है भाई, आप लोग भी कभी आना तो यहाँ पे अपना पानी का बोतल कम से कम थोड़ा ज़्यादा लेते आना, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ऊँचाई है ना। तो गाइस हो गया हम लोग तो फाइनली यहाँ पे, अब हम निकलेंगे घर। और दोस्त लोग का बहुत वेट किए, इतना देर से वेट किए आ जाने, तो अब हम जा रहे हैं घर। और थोड़ा सा और व्यू देख लीजिए यहाँ पे बादल का, अभी मौसम साफ कर दिया तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा बारिश होता तो और अच्छा लगता हम लोग को। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए अब देखते हैं क्या होता है ना। क्या बोलूँ, ये भाई लोग को देखो पूरा जो गाड़ी में आ रहा है भैया, सबसे बढ़िया ना, मज़ा आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो भाई आप ये लोग हड़िया भी लेकर आ रहा, और क्या ही बोलो, हम लोग ऊपर चले क्या या फिर चले सोना। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, वो लोग बहुत वेट किए हैं मेरे दोस्त लोग को, और यहाँ से हम लोग वापस घर भी जाना है तो काफ़ी दूर भी है, हम लोग घर से थोड़ा सा तो जा रहे हैं। लहरा दो भाई, आज बारिश बह रहा, वर्षा दो, आज बहुत ही गर्मी, पूरा पसीना पसीना हो गया। आप लोग देख ही रहे ना कितना ज़्यादा ये हो रहा है। अब यहाँ पर सुरंग देखना कितना भयानक वाला सुरंग है, देखो पीछे डर कैसे लगे। इसलिए गाइस थोड़ा जल्दी भी आना, ज़्यादा देर नहीं रुकना, फिर वापस चल जाना। तो गाइस हम लोग बारिश मंगा रहे थे और धूप आ गई, देखो पूरा भयानक लग रहा है। अभी व्यू तो पूरा ज़बरदस्त वाला है अभी, और हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। हम लोग दोस्त का वेट करते थे, थक गए दोस्त, आई थिंक वही लोग हैं कि क्या पता नहीं, और हम लोग को भूख भी लग रहा है। कुछ खाने के लिए लाए थे ना, अरे वो कहाँ खाई, बैठ के खा लो उसके बाद फिर चलेंगे है ना, तब तक लोग भी आ जाएगा। तब तक उधर का सीन दिखाते हैं यहाँ वाला, मौसम भी साफ कर दिया तो अच्छा लग रहा है, देख लो भयानक वाला सीन आ रहा है भाई। अब हम लोग चल जाएंगे घर, क्योंकि थक गया है, बहुत हो गया आज का ब्लॉगिंग, आज के लिए इतना ही रहेगा और बाकी चीज़ें दिखाएंगे उधर। ये देख रहा हूँ इतना भयानक भाई, आप सब बोलता है कि हमको ब्लॉगिंग में डिस्टर्ब रहा है, छोड़ा डाल चल जाएगा। अभी से बारिश की वेट कर रहे थे, बस बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन अब बारिश हो रही है, अपन निकलेंगे घर धीरे धीरे। मेरे पीछे बड़ा सा ही लेगा, देखो वहाँ पे, वहीं पर गए थे हम लोग, अब हम लोग घर निकलेंगे।
तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाबा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहना, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्या देते हैं आप लोग को। ठीक है, तब बाय बाय।